हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो मैं वृंदावन से आ गई थी और उसके बाद आपको दिखाया नहीं मैं क्या लेके आई थी। गेस करो क्या लेके आई होंगी। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मेरे माधव अकेले हैं, उनके साथ में राधा रानी होनी चाहिए, मगर नहीं ला पा रही थी किसी कारण के। वो कभी कभी होता है ना, शायद उनका मन नहीं होगा अभी आने का। मैं जा तो रही हूँ काफ़ी दिनों से, मुझे लग रहा है 5-6 महीने हो गए लगातार जब से जा रही हूँ वृंदावन, मगर राधा रानी एक बार भी नहीं लेके आ पाई। मगर अब की बार गई ना तो मेरा पूरा मन था कि मैं राधा रानी लेके, तो अब की बार फाइनली राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर हो गई और राधा रानी जी आ गई हमारे घर पे। तो मैं राधा रानी लेके आई थी और उनके लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी, और भी लेके आऊँगी, मगर अभी जल्दी की वजह से 2-4 चीज़ें लेके आ पाई थी, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा घूमना नहीं हो पाया इस बार। बहुत गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा की वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो मुझे प्रेजेंट में जरूरत थी वो चीज़ें मैं ले आई तुरंत वाली। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, बताइएगा कैसी लगी आपको। और मेरी राधा रानी को अभी पूरा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उनकी कल से प्राण प्रतिष्ठा चालू करूंगी, क्योंकि 5 दिन का प्रोसेस रहेगा। तो पूरा 5 दिन के बाद उनको जब बिठाएंगे सिंहासन पे, उसके बाद ही आपको पूरा दिखाएंगे। तो चलिए क्या क्या लेके आई हूँ उनके लिए। इसमें है हमारी राधा रानी जो अभी पैक हैं, अभी नहीं खोली जाएंगी, इनका कल से पूरा प्रोसेस चलेगा 5 दिनों का। तो पहले इन्हें अनाज में बंद करके रखेंगे, फिर फलों में, फिर सब्जियों में, फिर फूलों में, उसके बाद चरणामृत और दूध दही घी इन सब चीज़ों से नहला के फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे माधव के साथ। तो माधव मेरे अकेले थे तो माधव की मेरी राधा आ गई, राधा माधव हो गए मेरे, दोनों हो गए राधा माधव। तो ये है मेरी राधा रानी, अभी इनको दिखाएंगे नहीं, जब रेडी करेंगे ना उसके बाद आपको दिखाएंगे, दिखाएंगे जरूर, मगर अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाते हैं, देखिएगा फिर बताइएगा कैसी लगी राधा रानी। और इनके लिए कुछ चीज़ें लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। माधव मेरे बड़े खुश हैं, राधा रानी आ गई, और उनका फेस देखते हैं ना लगता है कि वो बहुत खुश हैं, क्योंकि श्याम के क्या बोलते हैं, राधा के बिना श्याम आधा, श्याम आधा था अभी तक, अब मेरे राधा माधव पूरे हो जाएंगे। तो मेरी राधा जी आ गई हैं। मेरा बहुत दिनों से मन था, मगर नहीं हो पा रहा था, ला नहीं पा रहे थे, मगर अब की बार मन किया तो फिर मैं लेके आई राधा रानी। जब लाडली जी की कृपा होती है ना तभी आती है, बिना कृपा के तो हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए मैं कुछ ड्रेस लेके आई थी और कुछ उनका जेवर लेके आई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो सबसे पहली मैं एक ये ड्रेस लेके आई हूँ वाइट कलर की, देखिए इसमें लगा हुआ है गोटा, बहुत सुंदर लग रहा था, और पूरा पूरी ड्रेस पे वर्क है ऐसे इस तरीके की। मैं 2 लेके आई थी, एक ब्लू और एक ये, तो एक ये ड्रेस लेके आई थी वाइट ड्रेस, बहुत अच्छी लगेगी राधा रानी पे। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ड्रेस राधा रानी की। तो एक हो गई ये ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है, देखिए राधा रानी पहनेंगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी, और इसका ये वर्क बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, इसी वजह से मैंने ली थी, सिर्फ इस वर्क की वजह से ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो एक लाई थी ये वाली ड्रेस राधा रानी के लिए वाइट, और एक लाई थी ये ब्लू कलर की, ये थोड़ा थोड़ा एक जैसी थी, थोड़ा थोड़ा मैच कर रही थी, मगर अच्छी बहुत लग रही थी। ये वाली भी चुनरी प्रिंट में है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो एक ये ड्रेस लाई थी ब्लू कलर की, मेरा मन था सारे कलर की खरीदूँ मुझे, मगर अच्छी मिली नहीं, हर तरीके की नहीं मिल रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से खरीदने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो एक ही वाइट लाई थी और एक है ब्लू, ये भी चीज़ में इधर गोटा लगा हुआ है, और इसका कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, मस्त कपड़ा है, ख़राब होने वाला नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है इसका। तो ये हो गया एक मैं राधा रानी की ड्रेस, ये हो गई दूसरे नंबर की ड्रेस, और एक मैं लेके आई थी येलो कलर की, येलो कलर की ये वाली ड्रेस लेके आई थी, देखिए ये कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा मुझे, मेरे राधा रानी के कपड़े कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर ड्रेस है, ये पूरा मोती का काम है, ये पूरा मोती का वर्क दिया हुआ है। वृंदावन में कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं राधा माधव, हमारे यहाँ कम अच्छे मिल पाते हैं, वहाँ कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये कैसी ड्रेस लगी आपको, देखिए मेरी राधा रानी पहनेंगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, सच्ची में मेरा मन करता है कितनी जल्दी उनको पहनाऊँ, मगर अभी कर नहीं सकते, अब कल से उनका प्रोसेस शुरू करेंगे ना, उसके बाद ही तैयार करके फिर आपको राधा माधव साथ में दिखाएंगे। और मैंने दोनों का नाम रख दिया है राधा माधव,
अभी तक उनका नाम था माधव, अब इनका नाम रख दिया है राधा माधव। राधा और माधव साथ साथ हो गए तो इन दोनों का नाम हो गया। और एक लाई थी ऑरेंज कलर की ड्रेस, देखिए इस पे जरी का वर्क है और ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे लिए नहीं, राधा रानी के लिए बता दीजिएगा, मेरी लाडली जी के लिए, क्योंकि लाडली जी मेरे घर आई। मुझे बहुत खुशी है, मेरा बहुत दिनों से मन था राधा रानी का लाने का, मगर उनकी कृपा नहीं थी अभी तक। अब उनकी कृपा हुई तो हमारे घर आई हैं, जब उनका मन होगा ना तभी आएंगी। तो ये ऑरेंज कलर की ड्रेस हो गई, ये हो गई, टोटल चार ड्रेसें। और एक ड्रेस मैं लाई थी रानी कलर की, वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको कैसी लगी बताइएगा। ये वाली और येलो कलर वाली थोड़ा थोड़ा एक जैसी है, इस पर भी मोती का वर्क है, मगर कलर इसका बहुत सुंदर लग रहा था। रानी कलर है, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है, बहुत ही अच्छी ड्रेस है। मुझे तो सब अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे अच्छी लगी तभी मैं लेके आई हूँ। अब आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। तो टोटल मैं पाँच ड्रेस लेके आई थी अभी, अभी फिर जाएंगे, अभी जल्दी में जाना होगा तो फिर और लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ले आई थी, क्योंकि हर बार जाते हैं ना तो फिर हर बार लेके आते हैं। हर बार माधव के लिए आती थी, उनकी बार राधा के लिए आई, आपकी बार माधव के लिए ड्रेसें नहीं आई। माधव के लिए सिर्फ नाइट सूट लेके आए थे दो कॉटन के, बाकी ड्रेसें सारी राधा रानी के लिए आई। तो ये हो गई, पाँच ड्रेसें लाए थे उनके लिए, और उनके लिए लाए थे कुछ ज्वेलरी, वो आपको दिखाते हैं। एक लाए थे उनके लिए, और हाँ सबसे बढ़िया चीज ये लाए थे राधा रानी के लिए, चोटी, उल्टी हो रही है, ये लाए थे राधा रानी की चोटी, बाल वाली चोटी जो होती है, ये डेकोरेट है पूरी, ये चोटी बहुत सुंदर लग रही चोटी। कैसी लगी चोटी आपको बताइएगा कमेंट करके। ये राधा रानी की हमारी चोटी है, बाल चोटी। अभी मैं एक ही लेके आई थी, इसमें करली वाले भी आते हैं, एक चोटी वाले भी आते हैं, मैं अभी फिलहाल यही लेके आई थी। अब जब जाएंगे दोबारा से तो और सारे एक चोटी वाले भी लेके आएंगे और करली वाले भी लेके आएंगे। माधव के पास सारे हैं, करली वाले भी हैं, चोटी वाले भी हैं, और नॉर्मल हेयर भी हैं, और राधा रानी के पास अभी एक ही है, क्योंकि अभी उनकी पूजा शुरू नहीं हुई तो अभी उनके पास सिर्फ एक ही जोड़ी है। तो चोटी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एक चोटी लाए थे और लाए थे मुकुट, माधव तो पगड़ी पहनते हैं, तो ये लाए थे राधा रानी के लिए मुकुट। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, दो मुकुट लेके आई थी मैं, एक ये लाई थी, ये पूरा रेशम के वर्क पे है, बहुत सुंदर लग रहा था, स्टोन वर्क है और रेशम का वर्क है, ये वाला जो है ना रेशम का वर्क है और ये पूरे स्टोन लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए राधा रानी सजेंगी ना बहुत सुंदर लगेंगे। एक ये मुकुट लाए थे, दो मुकुट लेके आई थी, फिर मैं जाऊँगी ना फिर और लेके आऊँगी, और एक मुकुट ये लेके आई थी राधा रानी के लिए, क्योंकि माधव के पास तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, राधा के पास अभी कम है। अब धीरे धीरे राधा रानी की शॉपिंग चालू होगी। तो ये एक दूसरा वाला ये मुकुट है, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर है। देखिए तो राधा रानी के हो गए दो मुकुट, पांच ड्रेसें, और क्या लेके आए थे, गले के दो सेट लेके आए थे, गले के सेट भी आपको दिखाती हूँ। एक ये लेके आई थी, अभी मुझे धागे बांधने हैं इसमें, ये धागे बांध के पहनाए जाएंगे, तो ये पूरा स्टोन का था। एक ये वाला लेके आई थी, और दूसरा लेके आई थी ये वाला, दूसरा मुकुट ये वाला लेके आई, सॉरी मुकुट नहीं, ये गले का है, इसमें धागे बांध के फिर पहना जाता है। तो अभी धागे मैंने नहीं बांधे हैं, क्योंकि जब पहनाएंगे ना उसी टाइम बांध लेंगे। तो ये एक ये मुकुट हो गया हमारा, सॉरी बार बार मुकुट पता नहीं क्यों निकल रहा है, मतलब गले का नेकलेस हो गया, दो नेकलेस हो गए, और एक नेकलेस ये लाई थी मैं ब्लू कलर का, ये बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे, ब्लू कलर का तीन लेयर में था, इसमें धागा बंधा बंधाया मिला था। एक ये लेके आई थी, ये कैसा लगा आपको, इसमें धागा बंधा था और उन दोनों में धागे नहीं बंधे थे। तो एक ये ब्लू कलर का लेके आई थी,
तो दो मुकुट लाई थी और तीन गले के सेट लेके आई थी, और ये हाथ के लेके आई थी, देखिए छोटे छोटे कड़े हाथ के, ये भी एक ही लाई थी क्योंकि और अच्छे थे नहीं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर एक ही जोड़ी लेके आई थी। अभी आगे जाएंगे तो इसी तरीके के पैर के हैं, चार लाई थी मैं, दो हाथ के और दो पैर के। ये हो गए हाथ के, और कान के लाई थी, एक जोड़ी भी कान का लेके आई थी। ये देखिए रानी कलर की ड्रेस के हिसाब से ये ले आई थी मैं, बाकी जितनी भी ड्रेस है ना उसी कलर से मैच करके मैं लेके आऊंगी। ये मुझे दिख गए थे तो मैंने ले लिए थे। देखिए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, रानी कलर के हैं। जो रानी कलर की ड्रेस है ना उस पर बहुत सुंदर लगेंगे। अब इसके बाद मैं सारी ड्रेसों के मैच कर करके लेके आऊंगी राधा रानी के लिए। माधव के पास मैं तो सारी ड्रेसों के मैच के हैं। तो ये हो गई हमारी लाडली जी की शॉपिंग वृंदावन से मैंने की। आपको ये शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लाडली जी का इंतजार कीजिए क्योंकि उनका प्रोसेस चलेगा 5 दिनों का, उसके बाद फिर उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। कल से स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि 5 दिन का रहेगा, उनको बंद करते हैं ना अनाज वगैरह में, वो सारा काम करके फिर पंडित जी को बुला के उनकी पूजा करा लेंगे, उसके बाद आपको फिर दर्शन कराएंगे। तो कैसी लगी हमारी किशोरी जी की शॉपिंग आप कमेंट करके हम आपको जरूर बताइएगा। राधा रानी के लिए कमेंट जरूर करना है, और शॉपिंग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।